सर, मैं बेलशेरी चाय बागान में वृक्षायुर्वेद पद्धति का प्रदर्शन कर रही हूँ और हम अनेक प्राकृतिक पदार्थों से जैविक खादें और तरल खादें बनाते हैं। हमारा आधार है गोबर और गोमूत्र। गोबर और गोमूत्र में हम अनेक जड़ी बूटियाँ, सस्य यानी कि हरे पदार्थ और कुछ अन्य पदार्थ डाल के इन तरल खादों का उत्पादन करते हैं। फिर जब ये खादें तैयार हो जाती हैं, हम इनको पानी में मिला के अपनी खेती में, चाय बागान में, चाय के खेतों में डालते हैं। हमें बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। आप समझिए 3 महीने से लेकर 6 महीने के अंदर तक बहुत अच्छे परिणाम हमें खेत में दिखाई दिए हैं और मिट्टी की जांच से भी हमें ये पता चला है कि 6 महीने के लगातार उपयोग के बाद मिट्टी में जो रासायनिक अवशेष हैं वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो गए हैं। तो हम इस पद्धति का, वृक्षायुर्वेद पद्धति का प्रतिपादन करते हैं और आशा करते हैं कि भारी संख्या में चाय की खेती करने वाले, धान की खेती करने वाले और अन्य फसलों की खेती करने वाले आएंगे और इसे अपनाएंगे, क्योंकि ये एक कम कीमत वाली पद्धति है। इसका आधार गोबर गोमूत्र है, यानी कि गाय का पालन, देशी गाय का पालन इसके लिए करना पड़ता है। और अभी हमने जो बनाया है आप देख सकते हैं, छोटी छोटी बाल्टियों में बनाया है। इसके लिए कोई बहुत भारी उपकरण भी नहीं चाहिए। छोटी आप लोहे की बाल्टियों में या प्लास्टिक की बाल्टियों में बना सकते हैं, या अगर आपकी खेती बड़ी है 25 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़ की, तो आप ईंट और सीमेंट की हौदियाँ या टंकियाँ बना सकते हैं। पानी का स्रोत होना चाहिए, या तो आप एक कुएं से पानी ले सकते हैं या ट्यूबवेल लगा के ट्यूबवेल से पानी ले सकते हैं। मेरी यही आशा है कि जल्द ही भारत में इस प्राचीन पद्धति का पूर्ण रूप से प्रचार प्रसार होगा और हमारे किसान भाई भारी संख्या में इस पद्धति को अपना के लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।